आप सभी को सोनिया का नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल द जॉय ऑफ रीडिंग में। आज जो उपन्यास लेकर आई हूँ वो हिंदी साहित्य में मील का पत्थर है, गोदान, मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मुंशी प्रेमचंद किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हिंदी साहित्य और प्रेमचंद एक दूसरे के पूरक नाम कह सकते हैं। उनकी अमर कृति गोदान शीर्षक का अर्थ है गाय का दान, जो कि एक हिंदू मान्यता है अपने जीवन काल के सभी पापों से ऋण मुक्त होने का और अपने आगे का सफर निष्पाप तय करने का। आधुनिक हिंदी साहित्य के इस कालजयी कथाकार के इस उपन्यास में मुख्य रूप से सामाजिक बंधनों में जकड़े हुए एक गरीब किसान होरी की कहानी है, जिसकी अपने घर में एक गाय पालने की इच्छा थी। कहानी का परिदृश्य पराधीन भारत का है, जब भारत स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहा था। समाज कुरीतियों में जकड़ा हुआ था। गरीबों का शोषण जमींदारों और समाज के ठेकेदारों के हाथों होता था और गरीब इसे ही अपनी नियति मानते थे। पूंजीपति अमीर होते जा रहे थे और गरीब और ज्यादा गरीब। महिलाओं का दमन होता था। जो भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता था उसे बागी ठहरा दिया जाता था और उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता था। इस उपन्यास में कई कहानियां एक दूसरे में गुथी हुई है। होरी की कहानी, उसके बेटे की कहानी, वहां के जमींदार राय साहब और उनके दोस्तों की कहानी, मिस मालती, गोविंदी, ऐसे अनेकों पात्र हैं इस कहानी में जो एक समूचा संसार रच देते हैं आंखों के सामने। होरी की कथा के साथ साथ एक और कथा मुख्य धारा में उभर कर आती है, मेहता और मालती की। ये होरी की दुनिया से बिल्कुल अलग है। तो आइए बिना और देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी के कुछ मुख्य पात्रों से आपका परिचय करवा देती हूँ। सबसे मुख्य पात्र यानी कहानी का नायक है होरी, एक गरीब किसान जो नीति के विरुद्ध जाना पाप समझता है और अपने साथ हो रहे अन्याय को भी अपनी किस्मत ही समझता है। नरम दिल का है पर बहुत ही दब्बू भी है। धनिया, होरी की पत्नी, जो कि यूं तो गांव की अन्य औरतों की तरह ही घर संभालती है और पति की मदद करती है, पर अपना अलग दिमाग रखती है। उसके लिए समाज और नीति से ज्यादा अपना परिवार प्रिय था। इन दोनों का पुत्र गोबर, इस पात्र ने कई रंग बदले, कहानी में मालूम पड़ेगा। सोना और रूपा, होरी और धनिया की दो बेटियां, होरी के दो भाई हीरा और शोभा, जिन्हें होरी और धनिया ने ही पाल पोस कर बड़ा किया। हीरा की पत्नी पुनिया, एक और मुख्य पात्र है गोबर की संगिनी झुनिया। झुनिया के पिता का नाम है भोला। इन मुख्य पात्रों के अलावा भी काफ़ी सारे पात्र हैं, जैसे कि राय साहब, दाता दीन, उनका पुत्र माता दीन, उसकी प्रेयसी सिलिया जो कि चमारिन थी, झिंगुर सिंह, साहूकार महाजन, मालती, मिस्टर खन्ना, गोविंदी, मेहता, मिर्जा खुर्शेद और राम सेवक। जैसे जैसे कहानी बताती जाऊंगी सभी पात्रों से आपका परिचय होता जाएगा। उपन्यास में एक ग्रामीण और एक शहरी, दो कथानक एक साथ चलते हैं। दोनों कहानियाँ किसी किसी मोड़ पर टकराती है, बस बहुत ज़्यादा एक दूसरे से संबद्ध नहीं है। कहानी शुरू होती है लखनऊ के पास के बेलारी गांव से, जहाँ होरी राम अपनी बीवी और तीन बच्चों के साथ रहता था। उसके पास 5 बीघा ज़मीन थी जिससे उसका गुजारा किसी तरह चलता था। वहाँ के ज़मींदार राय साहब की चापलूसी के चलते उनकी कृपा दृष्टि पाकर होरी का गांव भर में सम्मान था। धनिया, होरी की पत्नी, इतनी दुनियादारी ना समझती थी और जरा तीखे स्वभाव की थी। उसका मानना था कि बेवजह जमींदार के तलवे क्यों सहलाना, और इसी विषय पर अक्सर होरी और धनिया में लड़ाई होती। उनके पुत्र गोबर को भी अपने पिता का जमींदार की चापलूसी करना बिल्कुल ना सुहाता था। 16 वर्ष का था, जवान खून गर्म था। दो बेटियां सोना 12 वर्ष की और रूपा 8 वर्ष की थी। एक दिन राय साहब से मिलने जाते वक्त होरी की मुलाकात भोला अहीर से हुई, जो अपनी गायें लिए चला आ रहा था।
भोला पास ही के पुरवे का ग्वाला था और दूध मक्खन का व्यवसाय करता था, और सही दाम मिल जाए तो गायों का भी। वह अपने गांव का मुखिया था। भोला की गाय देखकर होरी की बरसों की लालसा फिर जग गई एक गाय खरीदने की। बातचीत में होरी ने भोला का रिश्ता तय करवाने का जिम्मा लिया। भोला की पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी और वो फिर से विवाह करना चाहता था। होरी को भोला की कमजोर नस मिल गई थी। भोला भी होरी की बातों में आ गया। अपनी दोबारा शादी की आस में उसने वो गाय होरी को देनी चाही। पर जब होरी ने भोला का दुखड़ा सुना कि वह ठीक से ध्यान भी नहीं रख पा रहा है गायों का, तो होरी का दिल पसीज गया। उसने भोला को अपने घर से भूसा ले जाने को कहा। भूसा पहुंचाने गोबर और होरी भोला के घर तक गए। वहां गोबर की मुलाकात झुनिया भोली की बेटी से हुई। दोनों में थोड़ी बातचीत हुई और थोड़ा विनोद हुआ, और गोबर का मन झुनिया पर रीझ गया। फिर तो होरी के घर गाय का इंतजार होने लगा। इसी बीच होरी और उसके भाई और उसकी पत्नी के बीच बांस बेचने की बात को लेकर खासी गर्मा गर्मी हो गई। गोबर भोला के यहाँ से गाय ले आया। होरी और उसका परिवार तो जैसे गंगा नहा लिए, खुशी से बावरे हुए जाते थे सारे। पूरे गांव में खबर आग की तरह फैल गई और सब उसके द्वार पर गाय को देखने आए, सिवाय उसके सगे भाइयों के, जो अब होरी से अलग हो चुके थे। खास करके हीरा को बहुत जलन हुई होरी से। उसने गाय को एक रात कोई विषैली जड़ खिला दी और वो मर गई। ये कुकर्म करते हुए होरी ने अपने भाई को देख लिया था। जब गाय मरी मिली तब उसने अपना संदेह धनिया से हीरा पर जताया। धनिया सुनते ही आग बबूला हो गई और उसने होरी की इच्छा के विरुद्ध हीरा पर गौ हत्या का आरोप लगाया। पुलिस आई और हीरा के घर की तलाशी लेनी चाही, पर होरी ने इज्जत बचाने के चक्कर में अपने बेटे की झूठी सौगंध खाई और धनिया से खूब लड़ा। हीरा घर छोड़कर भाग गया। अब होरी ने हीरा की बीवी पुनिया की भी जिम्मेदारी अपने सर पर उठा ली। यहाँ होरी के विशाल हृदय का उदाहरण देखने को मिलता है। होरी ने सावन में अपने धान छोड़ पुनिया के धानों की रोपाई कर डाली, जिसके परिणाम स्वरूप होरी की तो नाम मात्र फसल हुई और पुनिया का फसल से घर भर गया। धनिया भी अब पुनिया के प्रति कठोर ना रही। इधर गोबर और झुनिया का प्रेम प्रसंग गहराता जा रहा था, जिसका परिणाम यह निकला कि 5 माह की गर्भवती झुनिया को गोबर को अपने घर लाना पड़ा। वो झुनिया को घर की राह पर छोड़कर भाग गया। पहले तो धनिया और होरी झुनिया पर बहुत बिगड़े, पर फिर उन्हें उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे रख लिया। गोबर छुपकर सब देख रहा था और जब आश्वस्त हुआ कि अब झुनिया को ठौर मिल गया है, तो वो चला गया कुछ बन कर आने के लिए। झुनिया को तो आसरा मिल गया, पर गांव वालों ने होरी और उसके परिवार का बहिष्कार कर दिया। इसी विषय को लेकर धनिया और पंडित दाता दीन में झड़प हो गई और होरी पर पंचायत ने दाता दीन के बहकावे में दंड या जुर्माना लगाया, 100 रुपये और 30 मन अनाज का। होरी फिर से कर्जा लेने को मजबूर हो गया ताकि जुर्माना भरा जा सके। उस पर पहले ही काफी कर्जा था। उसे अपना घर गिरवी रखना पड़ा और अनाज भी सारा दंड स्वरूप दे दिया उसने। धनिया ने काफी रोका पर व्यर्थ। वहां भोला भी होरी से काफी नाराज था, क्योंकि उसने झुनिया को आश्रय दे दिया था। भोला अपनी गाय की कीमत लेने आया। पैसे कहाँ थे होरी के पास, तो भोला उसके दोनों बैल खोल कर ले गया। बैलों बिना एक किसान अपंग हो जाता है। होरी के खुद के खेत ना जुत पाए, वो और पूरा परिवार दूसरों के खेत में मजूरी करने लगा। एक दिन दाता दीन ने होरी से सांझी खेती करने का प्रस्ताव रखा और होरी उसकी धूर्तता भाप नहीं पाया और मान गया। गन्ना बेचकर कुछ बचा लेगा और बैल ले लेगा फिर से, ऐसा सोचा था होरी ने। पर उसके हाथ कुछ न लगा, क्योंकि देनदार वसूली कर ले गए। अब होरी और उसका परिवार मजदूरी कर रहे थे अपने ही खेत में, और बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे थे एक वक्त का खाना खाकर। उधर गोबर साल भर लखनऊ रहने के बाद गांव लौटा झुनिया को अपने साथ लिवाने। गोबर ने शहर में पहले तो मिर्जा खुर्शीद के यहाँ माली की नौकरी करी, फिर और भी काम किए
और ठीक ठाक कमाई कर ली। होरी काम के बोझ से खेत में बेहोश हो गया। धनिया व्याकुल हो गई, पर सब ठीक था। उसी समय गोबर का आना हुआ। सब बहुत प्रसन्न थे। वो पूरे परिवार के लिए तोहफे लाया था। धनिया फूली ना समाती थी खुशी से। गोबर अब काफ़ी समझदार हो चला था। गांव वालों पर उसका बड़ा रौब पड़ा। उसने भोला के पास जाकर सभी गिले शिकवे दूर करके अपने बैल भी वापस ले लिए। गोबर ने अपने अक्खड़ स्वभाव से गांव के बड़ों को नाराज कर दिया था और ये भी सुना दिया था कि वो पंचों पर दावा करेगा जिन्होंने अनुचित जुर्माना लगाया उसके परिवार पर। गोबर ने अपने घर पर बहुत शानदार होली का कार्यक्रम रखा, जो कि बहुत सफल भी हुआ। इससे भी गांव के ठाकुर साहूकारों को बड़ी चिढ़ हुई। बाप बेटे में नीति और कानून को लेकर काफ़ी बहस हुई। होरी को गोबर की बातें समझ नहीं आ रही थी। उधर मुखियों ने गोबर को नीचा दिखाने के लिए षड्यंत्र रचा। होरी से वापस कर्ज के रुपए चुकाने को कहा गया, जो कि वो पहले ही चुका चुका था। पर गोबर के तेवर के आगे मुखिए हार गए। फिर गोबर ने होरी को बहुत लताड़ लगाई और धनिया को भी खरी खोटी सुनाई कि उसने ठेका नहीं लिया है इनके बोझ ढोने का, और वो झुनिया और बच्चे को लेकर शहर चला गया। होरी का घर बिल्कुल सूना हो गया। उधर पंडित दाता दीन के पुत्र माता दीन ने सिलिया चमारिन को रखैल के रूप में रखा हुआ था। एक दिन खेत में काम करते वक्त सिलिया के माँ बाप और दोनों भाई और भी कई अन्य बिरादरी वालों ने आकर माता दीन को घेर लिया और उसके मुंह में ज़बरदस्ती हड्डी डालकर उसकी दुर्गत कर दी। सिलिया की माँ ने उसे साथ चलने को कहा तो उसने मना कर दिया। उसे अपने परिवार वालों की करनी पर बहुत क्रोध आ रहा था। यहाँ दाता दीन ने माता दीन को सिलिया को त्यागने को कहा ताकि उसका धर्म वापस लौटाया जा सके। माता दीन ने ऐसा ही किया। सिलिया अब घर की रही ना घाट की। ऐसे में धनिया ने उसे अपने घर में आसरा दिया। होरी शंकित था, पर धनिया नहीं मानी। अब होरी को सोना के ब्याह की चिंता हुई। उसने फिर से कर्जा लिया। सोना का विवाह सोनारी के एक धनी किसान के लड़के मथुरा से ठीक हुआ। भोला ने वहाँ दूसरी बीवी कर ली थी, पर उसकी दूसरी शादी के बाद उसके घर में इतना क्लेश होने लगा कि नौबत यहाँ तक आ गई कि भोला को पीट कर उसी के घर से बेटों ने निकाल दिया। भोला और उसकी पत्नी नोहरी ने नोखे राम के यहाँ पर शरण ली। नोहरी ने नोखे राम को अपने वश में कर लिया था और यह बात गाँव में फैल भी गई थी। नोहरी को जमींदारनी होने जैसा घमंड भी आने लगा था। उधर भोला को जब बेटा मनाने आया तो नोहरी ने जाने से मना कर दिया। भोला की स्थिति यहाँ काफ़ी खराब थी। नोहरी का चाल चलन उसे भी समझ में आता था, पर वो मजबूर था। उधर होरी की ईख की फसल मंगरू साह द्वारा नीलाम करवा दी गई लाला पटेश्वरी की चाल के चलते। होरी ने इसी फसल की जमानत पर दुलारी से बेटी के विवाह के लिए रुपए उधार लेने की बात तय की थी। अब समस्या ये कि फसल तो नीलाम हो गई तो उधार कैसे मिले। धनिया और होरी में फिर झड़प हुई। तभी अचानक नोहरी वहाँ से गुजरी। बातों बातों में उसे इनके हालात पता पड़े तो उसने इन्हें मदद करने की सोची रुपए देकर, ताकि पूरे गाँव में उसका यश हो जाए। अगली सुबह 200 रुपए ले जाने को कहकर वो अपने घर को चली। होरी और धनिया को वो वरदान जैसी लग रही थी। फिर सोना की शादी करवा दी गई। वहाँ जब गोबर वापस शहर पहुँचा तो उसकी खोंचे की जगह पर किसी और ने अपना खोंचा लगाना शुरू कर दिया था और ग्राहकों ने भी गोबर को भुला दिया था। झुनिया को वो छोटी सी कोठरी और शहर बिल्कुल रास न आया। बच्चा भी सारा वक्त माँ से ही चिपका रहता था। यहाँ ना जगह थी ना ही उसे खिलाने वाले लोग। गोबर का काम में मन नहीं लगता था। उसके लिए झुनिया ही अब एकमात्र मनोरंजन थी। झुनिया ऊब चुकी थी इस जिंदगी से। वो फिर से गर्भवती थी। उसे अपने पहले पुत्र से कोई प्रेम नहीं रह गया था। बरसात के दिनों में बच्चे को दस्त लगी और उसकी मृत्यु हो गई। झुनिया को अब अपने मृत पुत्र से प्रेम उत्पन्न हुआ। गोबर को कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा इस घटना से। उसने मिस्टर खन्ना की शक्कर मिल में नौकरी कर ली थी। दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत और रात में शराब और झुनिया से गाली गलौच, ऐसे ही दिन कट रहे थे।
तभी झुनिया को बच्चा हो गया। उसकी पड़ोसन चोहिया ने उसकी बड़ी मदद करी, बच्चे का ध्यान भी रख जाती थी। बीच बीच में आकर झुनिया को दूध नहीं उतर रहा था तो चूहिया ने उस बच्चे को अपना दूध भी पिलाना शुरू कर दिया। बच्चा धीरे धीरे हृष्ट पुष्ट होने लगा, पर झुनिया और गोबर के बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी। एक दिन मिल में हुए एक दंगे में गोबर बुरी तरह से पिटकर घर आया। झुनिया को उस पर दया आ गई। उस वक्त भी चूहिया ने ही इनकी मदद की। झुनिया चूहिया की बड़ी आभारी थी, पर अब उसने खुद कुछ कमाने की सोची, क्योंकि गोबर को पूरा ठीक होने में अभी महीनों थे। झुनिया ने घास छीलने की मजूरी कर ली। अपने पैरों पर खड़े होकर झुनिया बहुत खुश रहने लगी, और उधर गोबर को अपने व्यवहार पर काफ़ी पछतावा था। फिर गोबर काम की तलाश में मिस मालती से जा टकराया, और मालती ने उसे अपने घर में माली रख लिया। झुनिया और बच्चा भी वहीं रहने लगे। तभी उनके बच्चे को चेचक निकल आई। मालती की अथक देखभाल से बच्चा ठीक हो गया। मालती को बच्चे से प्रेम हो गया था। उधर गांव में माता दीन को मलेरिया हो गया। उसे ऐसा लगा कि उसने अपनी गर्भवती सिलिया के साथ जो भी अत्याचार किया, ये उसी का परिणाम है। उसका हृदय परिवर्तन हो गया। वो होरी के पास आया और सिलिया के लिए 2 रुपए छोड़ कर गया। संध्या को जब होरी ने सिलिया को रुपए दिए तो वो मानो अपनी तपस्या का वरदान पा गई। खुशी के मारे सोना को ये खबर देने उसके गांव चली। वहां सोना के पति मथुरा ने सिलिया का हाथ पकड़ लिया। सिलिया ने उसे फटकारा, पर सोना को इतनी रात गए सिलिया का आना बड़ा अखरा। उसके मन में शक आ गया था। अब सिलिया को बड़ा पछतावा हुआ कि वो वहां क्यों आई। वो लौट गई। माता दीन अक्सर होरी के घर आता अपने बच्चे को देखने। सिलिया ने वहीं पास में एक फूस की झोपड़ी बना ली थी। एक दिन अचानक सिलिया का बच्चा निमोनिया से मर गया। माता दीन ने उसे गोद में लेकर स्वयं उसे नदी में बहाया। वो अब अपने आडंबर भुला चुका था और पूरे मन से सिलिया को अपना चुका था। वो उसी के साथ जाकर उसी फूस की झोपड़ी में रहने लगा। इधर होरी की दशा दिन दिन गिरती जा रही थी। सारा जीवन संघर्ष करते निकल गया, पर जीवन की कोई भी अभिलाषा पूरी ना हुई। 3 साल से लगान बाकी पड़ा था और पंडित नोखेराम ने उस पर बेदखली का दावा कर दिया था। होरी जमीन हाथ से निकल जाने की चिंता में डूबा बैठा था कि पंडित दाता दीन ने आकर उसे एक सुझाव दिया कि वो अपनी छोटी बेटी रूपा का विवाह उसके एक अमीर मगर अधेड़ जजमान राम सेवक महतो से करा दे, तो ब्याह बिना खर्चे के हो जाएगा और उसकी जमीन भी बच जाएगी। आखिरकार होरी और धनिया उसके कहने में आ गए और अपने खेत बचाने के लालच में ये प्रस्ताव मान गए। गोबर को भी खत आया, शादी में बुलाया गया था। पत्र पाकर गोबर का मन द्रवित हो गया। वो झुनिया और बच्चे को लेकर गांव के लिए निकला। मालती ने ढेरों उपहारों के साथ उन्हें विदा किया। घर पहुंचकर घर की दशा देखकर गोबर का जी उचाट हो गया। उसे अपने माता पिता पर बड़ी दया आई। वो उनका हाथ बटाने लगा और हर महीने खर्चा भेजने का वादा भी किया। फिर दाता दीन ने आकर होरी को शादी के एवज के 200 रुपए पकड़ाए। शादी धूमधाम से हुई, पर होरी को अपने किए पर काफ़ी पछतावा था कि उसने रुपयों के लिए रूपा को एक अधेड़ के गले बांध दिया। पर गोबर ने उसे सांत्वना दी कि जब जान पर सवाल हो तो इज्जत का ढोंग करना फजूल है। गोबर लखनऊ लौटा अकेला, क्योंकि झुनिया कुछ दिन यहीं रहना चाहती थी। वहाँ रूपा अपने ससुराल में काफ़ी खुश थी। जिस चीज़ की छोटे से कमी देखी थी उसने, उसकी यहाँ पर कोई कमी नहीं थी। राम सेवक संपन्न था। रूपा के मन में अपने माता पिता को खुशी देने की अभिलाषा थी। वह गाय वाला किस्सा भूली न थी। वह अपने पिता की ये इच्छा पूरी करना चाहती थी। राम सेवक से पूछकर उसने पिता के घर गाय रवाना कर दी। उधर होरी भी गाय लेने की फिक्र में था, क्योंकि गोबर का बेटा मंगल बिना दूध के कैसे रहे। संयोग से उसी दिन गांव में सड़क के लिए खुदाई का काम शुरू हुआ। होरी वहां 8 आने रोज पर खुदाई करने लगा। दिन भर यहां मजूरी करता और रात में भी सूत काटता। धनिया भी उसके साथ सूत काटती।
दोनों पर गाय खरीदने का जुनून सवार हो गया था ताकि गोबर के बच्चे को दूध दही खिला सके। उन्हीं दिनों एक भोर होरी का भाई हीरा, जो उसकी गाय को विष देकर घर छोड़कर भाग गया था, वो लौट आया और होरी के कदमों में गिर पड़ा। वो 5 साल पागलखाने भी रहा था और पछतावे में मरा जा रहा था। होरी ने उसे अपना लिया और क्षमा कर दिया। हद से ज़्यादा मेहनत और लू लगने के कारण होरी खेत में अचेत हो गया। धनिया दौड़ी दौड़ी आई। हीरा और शोभा भी डोली लेकर आए पीछे पीछे। धनिया ने होरी के सिर पर मौत खड़ी देखी। होरी अर्ध चेतना में बोला, तुम आ गए गोबर, मैंने मंगल के लिए गाय ले ली है, वह खड़ी है देखो। धनिया ने उसे चेताया तो वो धनिया से क्षमा याचना करने लगा और एक बार फिर अपनी गाय पालने की इच्छा पूरी ना होने का दुख किया और आंखें बंद कर ली। होरी को घर लाया गया। खबर सारे गांव में फैल गई। सारा गांव वहां जमा हो गया। वो चुप हो गया था। धनिया भाग भाग कर उसकी सेवा कर रही थी पर पैसे की किल्लत के चलते डॉक्टर को नहीं बुला पा रही थी। तभी हीरा ने रोते हुए धनिया से कहा, दादा चले गोदान करा दो। और भी कई आवाज़ें आई गोदान करवाने के लिए। धनिया यंत्र की तरह उठी और सुतली बेचने पर मिले 20 आने अंदर से लेकर आई और पति के ठंडे हाथ पर रखकर पंडित दाता दीन से बोली कि उसके पास यही है, यही इनका गोदान है, और पछाड़ खाकर गिर पड़ी। तो दोस्तों, होरी की कथा यहाँ पर समाप्त होती है। वो गरीब होरी जो एक गाय खरीदने की लालसा में मर गया, पर मृत्यु पर गोदान करवाना कितना ज़रूरी था समाज में। इसी कुरीति पर कुठाराघात है प्रेमचंद जी की गोदान। मैं अब आपको उपन्यास की शहरी कथा भी संक्षेप में बता देती हूँ, जो उपन्यास में तो साथ साथ चलती है पर समझने में आसानी हो तो मैं अलग अलग करके बता रही हूँ। एक राय साहब हैं और उनके कुछ मित्र हैं जिनके इर्द गिर्द ये शहरी कहानी घूमती है। राय साहब, जो कि अवध के ज़मींदार हैं, 2 बार वहाँ के क्षेत्रीय चुनाव जीत चुके हैं और अपनी बेटी की शादी एक रईस ज़मींदार से करवाना चाहते हैं ताकि फिर से चुनाव जीत सके और उसके ससुराल की संपत्ति भी अपने नाम कर सके। इसी के चलते एक विधुर और अयोग्य रईस ज़मींदार से बेटी की शादी करवा कर उसकी ज़मींदारी भी अपने नाम कर ली। राय साहब म्यूनिसिपल मिनिस्टर चुने गए। वैसे तो उदार हृदय थे पर क्योंकि ज़मींदार थे तो अपने कर्तव्य का निर्वाह भी करते थे। फिर जब उन्होंने अपने बेटे रुद्रपाल का विवाह राजा सूर्यकांत की बेटी से करवाना चाहा तो उसने मना कर दिया। उसे सरोज से प्रेम था, जो मालती देवी की छोटी बहन थी। वो दोनों शादी करके लंदन चले गए और पुत्र ने पिता की संपत्ति पर दावा कर दिया और जीत भी गया। इस कारण राय साहब भारी कर्जे में डूब गए। उनकी बेटी का भी अपने पति से अलगाव हो गया। अंततः सब कुछ होते हुए भी वो तृप्त ना हो सके। शहरी कहानी की दूसरी मुख्य पात्र हैं डॉक्टर मालती, जो कि बहुत खूबसूरत हैं और यूरोप से पढ़कर आई हैं। वो पार्टियों की जान होती है, थोड़े रंगीन स्वभाव की है। मिस्टर खन्ना इनके साथ दिल लगी करते थे और मिस्टर खन्ना की पत्नी गोविंदी को मालती बिल्कुल नापसंद थी। वहाँ मालती को मिस्टर मेहता से प्रेम हो जाता है उनकी सादगी और सिद्धांतों के चलते। पहले तो मालती को घमंडी रंगीन महिला के रूप में दर्शाया गया, पर जब उसमें सेवा भाव जगता है होरी के गांव के दौरे के दौरान, तब वो पूरी तरह बदल जाती है। वो गरीबों के लिए काम करने लगती है। मिस्टर मेहता मालती में आए इस परिवर्तन को देखकर उससे प्रेम करने लगते हैं, पर मालती उनके विवाह का प्रस्ताव ठुकरा देती है ये कहकर कि उसे विवाह नहीं करना। वो अपने सामाजिक सेवा कार्यों से ही संतुष्ट थी और खुश थी। कहानी के तीसरे मुख्य पात्र मिस्टर मेहता एक बुद्धिजीवी हैं और एक कॉलेज में फिलॉसफी के लेक्चरर हैं। ये एक पुस्तक की भी रचना कर रहे हैं। मिस मालती इन पर मुग्ध है और मिस्टर खन्ना की पत्नी गोविंदी भी इनसे काफ़ी प्रभावित है। मिस्टर खन्ना एक उद्योगपति हैं और चीनी मिल के मालिक हैं। वो अपनी पत्नी गोविंदी को उसके सादेपन के कारण बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। मालती के साथ अक्सर फ्लर्ट करते हैं और अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार।
गोविंदी खन्ना के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़ने का मानस बना लेती है। जब मिस्टर खन्ना की चीनी मिल में आग लग जाती है, ऐसे मुश्किल समय में गोविंदी उसके साथ खड़ी थी। वो उसे ढाढ़स बंधाती है और समझाती है कि दोबारा से मिल लगाया जाए। खन्ना को अपनी भूल का एहसास होता है और वो अपनी पत्नी का फिर से सम्मान करने लगता है। तो दोस्तों, शहरी कहानी भी समाप्त हुई। प्रेमचंद जी ने जातिवाद, धर्मांधता, गरीबों का शोषण, दमन, जमींदारों की खोखली शान और भी कई समस्याओं को इंगित किया है गोदान में। शहरी पात्रों जैसे खन्ना गोविंदी और मेहता मालती के रिश्तों द्वारा प्रेम का अर्थ समझाया है। पूरी कहानी में मिस मालती ही एकमात्र पात्र है जो कि आखिरकार अपने जीवन से खुश थी जब उसने सेवा का मार्ग अपनाया। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी सी लंबी है, पर इससे छोटा सारांश बताना इतने महान उपन्यास के साथ अन्याय होगा। आप लोगों को ये वीडियो देखकर इस कहानी में ज़रा भी इंटरेस्ट आए तो इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा। हिंदी साहित्य में गोदान नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा। अगर आप लोगों को मेरा ये प्रयास पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना ना भूलिएगा। अब विदा दीजिए, जल्द मिलते हैं एक और कहानी के साथ एक और नए वीडियो में। नमस्कार।